नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पानीपत लाइव के न्यूज़। फिलहाल पोस्टमार्टम हाउस अभी की तस्वीर पानीपत से हम आप लाइव देख रहे तस्वीरें हैं। दिखा रहे पुलिस हैं। एक ट्रक ड्राइवर जो है नशे की हालात एसपी में मौके पर ट्रक पहुंचे हैं को और रोंग साइड सूचना में है कि दौड़ाता ट्रक को है, मौके और पर पकड़ लिया जैसे गया है। ही उसका चालक ट्रक जो है दौड़ाता है तो उसको कहीं ना भी कहीं लोगों को और गाड़ियों को कुचलता गिरफ्तार हुआ कर चला लिया गया जाता है है। मौके पर। लेकिन और बात बताया की जाता है जाए कि रोंग लगभग साइड लगभग से ये छह ट्रक जो लोगों को है जो है वो आ रहा था, तो छह लोग जो है मारे जा उसकी चुके मौत हैं। हुई है। जो उन्होंने ट्रक सिविल ड्राइवर नशे में पुलिस गाड़ियां जब चला रहा बताया कि था, उसको सामने आप एसपी देख पा रहे हैं, मौके पर सिविल पहुंचे हैं और उसको हॉस्पिटल मारा, से हम आपको और एक लाइव बड़ा तस्वीरें हादसा दिखा रहे हैं। हरियाणा जो भी में साथी पानीपत वीडियो को में देख रहे हैं, कृपया वीडियो को करीब शेयर जरूर करते रहिए। पांच लोगों देखिएगा को कुचल कर ये काफ़ी ट्रक लोग यहाँ चालक पर, जो है परिजन यहाँ पर खड़े उसी हुए रात हैं डेड बॉडीज को लेने के की लिए, ओर जा रहा था। और उसी हालात दौरान काफ़ी जहां बीच में गंभीर यहाँ पर पानीपत बने हुए हैं। जो के भी साथी पास जो है को वीडियो को देख रहे हैं, पुलिस कृपया पकड़ वीडियो लेती को है, शेयर जरूर इससे करते पहले रहिए। वो अभी सिविल हॉस्पिटल से हम पांच आपको लोगों लाइव को तस्वीरें रोंग दिखा साइड रहे से, हैं। वो एलिवेटेड हाईवे की ये बात है, एलिवेटेड हाईवे के ऊपर से वो रोंग साइड से आ रहा जो था। भी ये साथी लोग आप वीडियो को देख देख रहे हैं, सकते हैं कृपया तस्वीरों वीडियो को में, और एक शेयर जरूर पानीपत में करते रहे। बड़ा हादसा देखिएगा इस काफ़ी समय लोग यहाँ पर देखा उस ट्रक में हो परिजन यहाँ जाता है, पर और इकट्ठा पांच हो लोग चुके इस हैं। ट्रक की चपेट में आ जाती है। ये ट्रक ट्रक ड्राइवर चालक जो ऐसा है बताया सुनने जाता में है आया कि उस कि रात में सोनीपत नशे के में ही गन्नौर था, से, नशे में धुत सोनीपत था, के गन्नौर और से परिजन ट्रक भी को यहाँ मौके पर देख दौड़ा सकते रहा हैं। था, भाई वो भी साहब रॉन्ग साइड। क्या कुछ और जानकारी है देखिएगा आपके यहाँ पास पर भाई जो साहब है, गांव के गांव से? हमने सवेरे पता लगा हमारा लड़का यहीं हॉस्पिटल में जॉब करता था, डीसी रेट पे वो ड्यूटी करके वापसी जा रहा था। एक लड़का और था साथ में गांव का ही, उसका दादा यहाँ एडमिट था। वहाँ वापसी जाते समय सिवा के पास ही एक्सीडेंट हुआ। ये रॉन्ग साइड से ट्रक वाला आ रहा था, नशे में धुत था। इसने दो बच्चे तो हमारे मारे, तीन और भी मारे। दो थे आपके, हाँ दो है क्या हमारे, क्या नाम है जी? पावटी गांव का एक सूरज था, एक अंकित नाम था। ये कहाँ का अंकित? पावटी गांव का ही था। अच्छा, ये क्या करता था? ये यहाँ अपने दादा के, दादा एडमिट हो रहा था उसका सिविल हॉस्पिटल में, उसका अपने दादा के पास था पता लेने के लिए। हाँ रात को वही था, यही था इस अपने दादा के पास। सवेरे बच्चे के साथ ही बैठ के चला गया। जो ये किस चीज पे थे जी? मोटरसाइकिल पे थे कोई, तो ये मौके पे ही मौके मौके पर एक्सपायर खत्म हो रहा है। कुछ नहीं उनके अंदर, सारा सिस्टम खत्म कर कुचल दिए बिल्कुल। हाँ कुचल दिया उनके अंदर, शक्ल भी नहीं, मतलब कोई शरीर में अड्डे अड्डे भी नहीं, पछाड़ भी नहीं सकता उसको। ट्रक ड्राइवर का पता चला कहाँ का है? उनका कहाँ का नहीं, मेरा पुलिस बताती है, पकड़ रखे पुलिस। ये यहाँ पर ड्राइवर कोर्ट के सामने ऊपर हाइड्रा पर चढ़ा, रॉन्ग साइड चढ़ा, यहाँ एक्सीडेंट करा गया, यहाँ खड़ी कर रखी गाड़ी। अच्छा, रॉन्ग साइड आया, मतलब जाना चाहिए था उसने नूनता, पर दूसरे साइड चढ़ा रहा गाड़ी ऊपर। ये आया कि कहाँ से चढ़ा? ये गन्नौर से भी आ रहा, गन्नौर से आ रहा, और रास्ते में गन्नौर में भी कर रखा है दो हादसा इसने। अच्छा, गन्नौर में भी हादसा हुआ है, ऐसी सूचना आई? हाँ सूचना मिली है। जो मृतक है वो क्या लगते थे? पोता था हमारा, क्या उम्र थी? 22-23 साल है। दोनों यही हॉस्पिटल में लगे हुआ, सिविल हॉस्पिटल में था, डीसी रेट। जी भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इस तरह की घटना हुई है? अभी गांव से आया हूँ, सुनने में क्या क्या पता चला? ट्रक वाले ने कुचल दिए बच्चे, रॉन्ग साइड से आ रहे थे। तो आपका कुछ रिलेटिव थे जो जिनके साथ आप? हाँ मेरा भतीजा है, कि ये दोनों भतीजे हैं जी जी जी। हाँ, तो ट्रक ड्राइवर का कुछ पता चला कि कहाँ का है, कैसे नहीं चलिया? ना तो पता नहीं ऐसे। तो ये पकड़ा गया ट्रक ड्राइवर या कैसे? क्या पकड़ लिया? मौके पकड़ लिया जी, पकड़ रखे हो जी जी जी। तो सजा की बात की जाए तो क्या कुछ सजा की जी? ये गलती महकमे की भी है, मोटरसाइकिल के पीछे लग जाते हैं, जैसे हेलमेट नहीं पहना कोई दिखता। ये इतने बड़ा ट्रक इतनी दूर से रॉन्ग साइड में आ रहा है, ये कानून को नहीं दिखा? वहाँ रोड पे कितनी कानून व्यवस्था है, मतलब जगह जगह पुलिस वाले खड़े हैं, तो उनको भी देखना चाहिए भाई। ये रॉन्ग साइड से आ रहा है तो शुरू से ही रोकना था। वो लगभग 30-35 किलोमीटर तो ट्रक चला हो? हाँ, कम से कम इतना तो चला है, वो रॉन्ग साइड चला है। तो ये गलती कुछ महकमे की भी है, मोटरसाइकिल के पीछे लग जाते हैं ये बगैर हेलमेट को देख के। ये ट्रक वाला नहीं दिखा इतना बड़ा हादसा हुआ है ये जी। आपका क्या कुछ लगता है? ये हमारा भाईचारा था जी, ये बस ये जान पहचान थी जी जी, यार दोस्त था, यहीं मिलते थे हम ओपीडी में जी, बस यही अपना बस वैसे भाईचारा था। आप भी पावटी से? नहीं जी, मैं कुराड़ से। तो आप शायद? हाँ बस वैसे ही यहीं बोल चाल थी जी हमारी, कई महीने से मिलते जुलते थे। यही हादसे का बेरा लगा जी, हम भी आज मौके पर आए, हमको तो यहीं बेरा लगा फोन। क्या सुनने में आया कि कितने लोगों को जो है ट्रंक के साथ कुचला गया? मौके पे जी हूँ, अच्छे हैं आदमी को बताऊँ जी, खत्म हुए हैं मौके पे, और पीछे से हादसे होते आ रहे हैं ये। पीछे भी हादसे करके आया? पीछे भी हादसा करके आया जी 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 जी। फिलहाल देखिएगा यहाँ पर काफ़ी दुखद घटना यहाँ पर पानीपत में जो है देखने को मिली है। परिवार परिजन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिएगा।
ट्रक उल्टी साइड से आ रहा था, जब तक जन सेवा दल की टीम एम्बुलेंस लेकर वहाँ पहुँची उससे पहले सिविल की एम्बुलेंस पहुँच चुकी थी, और यहाँ तक जब पांच ब्रोड बिल्कुल ही डेथ हो चुकी थी जिनको यहाँ लाया गया है, दो की पहचान हो गई है, तीन की अभी पहचान नहीं हो पाई है कि किस घर से हैं, किस परिवार से हैं। बाकी बहुत ही दर्दनाक हादसा है ये ट्रक वाला, अभी पुलिस ने जिसको पकड़े पता लगेगा नशे में था या उसकी ब्रेक फेल हुई है, ये तो संभव है। ये यानी कि जो पाउटी के दो लड़के हैं इनकी पहचान हो चुकी है, इनकी पहचान, एक तो यहाँ इसी हॉस्पिटल में जॉब करता था, एक बताया जा रहा कि इस मालखा में बिजली बोर्ड में जॉब करता था अभी, और तीन उनके ना तो परिजन आए हैं ना उनकी पहचान हो पाई है। हाँ, तीन अभी जो पड़े हैं उनके परिजन भी नहीं है, अभी सुनने में एक और मृत्यु हो चुकी है पार्क में, अभी तक यहाँ बॉडी आई नहीं है, उसके आने पर ही पता लग पाएगा क्या है, बताया जा रहा है कि एक और भी डेथ हो चुकी है। ड्राइवर के बारे में तो अभी कोई जानकारी नहीं वो, लेकिन ये पता चला होगा कि कहाँ से कहाँ जा रहा था, कोई राजस्थान के ट्रक बता रहे हैं, पर अभी ये नहीं पता, वो तो वही बता पाएगा कहाँ जा रहा था, उल्टी साइड से जा रहा था, क्यों जा रहा था, इसके बारे में कहा जा सकता है कि कोई ये पीछे भी हादसा करके आया, उल्टी साइड मुड़ा है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।